ओके सो गाइस, आई एम ऑल सेट टू लीव। आज रुका था मैं उडुपी में मालपे बीच के पास एक छोटे से गंदे से लॉज में, जो मुझे पड़ा 500 रुपये में। और यहाँ पे हाइजीन के नाम पे आपको ये सब मिलेगा। और मैंने सच में गलती कर दी थी इस रूम में रहकर। वो गलती इसलिए हो गई मुझसे कि मैंने पहले पैसा दे दिया और फिर बाद में रूम देखा। ऐसी गलती आप तो कभी मत करना भूल से भी, पहले रूम देखना उसके बाद पैसे भरना, क्योंकि फिर बाद में ये लोग पैसे देते नहीं। तो ये है इस रूम की कंडीशन। ये हाइजीन इन लोगों ने मेंटेन किया है कोविड की सीरियस कंडीशन के दौरान। ये तो मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। अभी सिचुएशन ऐसी है जो कि काफ़ी सीरियस है, जहां आपको हाइजीन मेंटेन करना ही करना है, चाहे वो 200 रुपये वाली लॉज हो या 10,000 रुपये वाली। अभी मैं निकलता हूं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, तो मैं आपको मिलता हूं सीधा बाइक पे। चलो भाई, ओके। सो ये था सागर रेसिडेंसी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मंजीत रॉक्स। दिस इज माय कोस्ट टू कोस्ट राइड सीरीज। और आज है मेरा 7th डे ऑफ माय राइड। और मैं अभी फ़िलहाल हूँ उडुपी कर्नाटका में, और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है केरला। अब उसमें केरला का जो सीन है वो थोड़ा ट्रिकी है। मैं आपको एक बार हाईवे पर पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं आपको सीन क्या है पूरा केरला का वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। सो यहाँ से कुन्नूर जो कि है केरला में, वो है अराउंड 200 किलोमीटर, और मैंगलोर अराउंड 75-80 किलोमीटर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो केरला का सिचुएशन ऐसा है कि आपको अगर केरला में एंट्री करनी है तो उसके लिए चाहिए होता है ई पास, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा। शायद ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे उसका बारे में आइडिया नहीं है। तो उसके बारे में जो भी डिटेल होगा मैं आपको कंफर्म करके फिर बाद में बताऊँगा। तो रही बात ऑनलाइन की, जो ऑनलाइन सीन है ई पास का केरला के लिए, वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। और मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन एक भी वीडियो मुझे हिंदी में नहीं मिला। और ऑनलाइन पे जितना भी मैंने सर्च किया है, वहाँ पे मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या सीन रहेगा, क्या बॉर्डर क्रॉस करना इजी है कि कोविड के वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है मुझे। तो रही बात ऑनलाइन ई पास की, तो उसमें आपको अगर आप इंडियन हो तो दो ऑप्शंस है, एक है शॉर्ट विजिट एंड एक है डोमेस्टिक रिटर्निंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि मुझे कौन से वाले ई पास के लिए अप्लाई करना है, डोमेस्टिक रिटर्निंग और शॉर्ट विजिट। शॉर्ट विजिट में ऐसा है कि आप मैक्सिमम 8 डेज के अंदर आपको केरला से अंदर एंट्री करके बाहर आ जाना है। 8 डेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो आपने डेट जहाँ से जहाँ तक ली है उस डेट के तक आपको केरला से बाहर आ जाना है। मेरे लिए वो शॉर्ट विजिट वाला पास सही है या गलत है, मुझे सच में अभी भी कन्फ्यूजन है। मैंने खैर पास ले तो लिया है, बनवा तो लिया है, और मैं केरला के बॉर्डर तक तो जा रहा हूँ, बट मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं है कि मुझे एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वहाँ पे क्वारंटाइन का सीन है या नहीं। अगर क्वारंटाइन का सीन नहीं है और ये पास मैंने जो लिया है वो सही है,
तो ही मैं एंट्री करूँगा, और अगर क्वारंटाइन वाला सीन होता है और मेरा पास सही भी है तो भी मैं एंट्री ना करूँगा, बिकॉज अगर क्वारंटाइन वाला सीन हुआ तो ऑब्वियसली वो चीज़ मुझे चाहिए नहीं। सो मेरी कोस्ट टू कोस्ट राइड यहीं पर ही समाप्त हो जाएगी, और अगर क्वारंटाइन वाला सीन नहीं हुआ और ये मेरा पास चल गया तो फिर मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा। तो दिस इज़ वॉट इट इज़। सो अभी फ़िलहाल मैं कुन्नूर के लिए निकल तो गया हूँ, और कुन्नूर है अराउंड मैप के हिसाब से 190 किलोमीटर, और अभी निकलते निकलते मुझे हो गए हैं 12:30 तो बज गए हैं, तो ऑब्वियसली पहुँचते मुझे शाम होने वाली है। मैंगलोर से थोड़ा आगे जाके केरला की बॉर्डर लग जाएगी, तब मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरा पास सही है या गलत है। एंड बाय द वे मुझे एक पास का प्रिंटआउट भी लेना होगा। तो 1440 किलोमीटर मैंने अभी तक चला ली है फ्रॉम माय होम, और ये मेरी लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी राइड है। इतनी सारी भीड़, कुछ लोगों ने हालांकि पहन रखा है मास्क, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नंबर लोगों ने नहीं पहना था। और भीड़ तो देखिए, अब ये क्या फंक्शन था आई डोंट नो। मैंगलोर सिटी का बाईपास है, और मैंगलोर सिटी के अंदर जाने के लिए यहाँ से राइट साइड। वाओ, सामने का व्यू देखिए, सब कोकोनट के इतने सारे पेड़, कितना प्यारा लग रहा है ना। ओके, सो केन्नूर यहाँ से अभी भी 148 किलोमीटर है। तो एक 5 मिनट का पानी का ब्रेक हो गया मेरा, और मैंने 70 किलोमीटर अभी तक चलाए हैं। यहाँ से कुन्नूर है सीधे सोमेश्वर राइट साइड में, और 5 किलोमीटर के बाद बॉर्डर आने वाली है, तब हमें पता चलेगा कि हम कुन्नूर जा रहे हैं या नहीं। केरला के एकदम करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ 4 किलोमीटर जितना बाकी है। आई गेस ये टोल गेट है, उसके बाद थोड़ी ही दूरी में चेक पोस्ट आने वाला है। सो वेलकम टू केरला। सो केरला में हमारी एंट्री हो गई है, बट मुझे एक बार चेक पोस्ट आए और वो लोग चेक कर लें, उसके बाद ही मैं समझूंगा कि मुझे प्रॉपर केरला में एंट्री मिली है। बट टेक्निकली तो मैं केरला में एंटर हो गया हूँ, मुझे कहीं चेक पॉइंट नहीं दिख रहा है, यहीं कहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि चेक पोस्ट पे चेक हो जाए तो बेटर है, बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो हम बॉर्डर के एकदम नज़दीक है, बॉर्डर से कुछ ज़्यादा अंदर जाने के बाद फिर तकलीफ ना हो। तो उससे बेटर है कि पहले ही चेक कर लो। आई एम फीलिंग स्कैर्ड, रुक के गूगल मैप्स पे देखना ही पड़ेगा। रास्ते में तो कोई चेक पोस्ट लगा नहीं, और ये मैं अभी 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा ही आ गया हूँ। चेक
पोस्ट था पीछे, लेकिन पीछे तो मुझे कोई चेक पोस्ट मिला नहीं और मैं इजीली एंटर हो गया। अब मुझे थोड़ा डर सा फील हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि कुछ प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैं चाहता था कि चेक पोस्ट मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे बच के नहीं निकलना है, मुझे उनको ऑफिशियली शो करके निकलना है, कंफर्म करके निकलना है कि हाँ भाई ये है, चलेगा। अगर चलेगा तो आई एम गुड, नहीं चलेगा तो आई एम ऑल्सो गुड, आई विल बी टेक अ यू टर्न एंड गो बैक टू कर्नाटका। यहाँ कोई चेक पॉइंट मिलता है या नहीं। सो 91 किलोमीटर और बचे हैं फॉर कन्नूर। समुद्र का व्यू मिला है बहुत टाइम के बाद, कब से हम समुद्र के किनारे ही चल रहे थे बट समुद्र का व्यू कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा था। फाइनली मेरा डिनर भी हो गया है, सॉरी मेरा लंच हो गया है। मुझे साउथ इंडियन खाने का बहुत मन है बट यहाँ पर सिर्फ नॉन वेज एंड वेज में पंजाबी और चाइनीस, बस इतना ही ऑप्शंस थे। अभी टाइम हो रहा है 4:30 और अभी भी 55 किलोमीटर के आसपास बाकी है। Thank you.
तो बहुत ही खतरनाक तरीके से होगी। ओके सो मैं पहुंच तो गया हूँ लेकिन अंधेरा हो चुका है, तो वहाँ पे पहुंचने के बाद जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन वीडियो को मैं यहीं एंड कर देता हूँ वरना मैं हमेशा की तरह भूल जाता हूँ पहुंचने के बाद, इतनी थकान हो जाती है। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, और आपको मेरी इस कोस्ट टू कोस्ट सीरीज़ में मज़ा आ रहा है। कीप कंटिन्यू वॉचिंग माई कोस्ट टू कोस्ट सीरीज़, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपके थॉट्स। बाय बाय, टेक केयर, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।